नमस्ते मैं रूमपा आज कुछ बात बोलने के लिए आया हूँ हम लोग जो गाना गाते हैं जब नए नए हम लोग आए हैं बहुत सारा ऐसा है जो नया नया आ रहा है आज एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है यूट्यूब फेसबुक ये सब के माध्यम में हम लोग खुद का जो जो हम लोग कर पाते हैं वो सब करने की प्रयास कर रहे हैं तो मेरे साथ जो होता है मैं वही आप लोगों को बोलूँगी मैं जो गाना गाती हूँ एवरी रविंद्र संगीत में मेरा कॉपीराइट क्लेम लगता है अदर्स uh, गाना में भी कभी कभी लगता है लेकिन रविंद्र संगीत मास्ट मैं गाऊंगी तो वो कॉपीराइट लगेगा ही लगेगा मुझे मालूम है कोई एक्सपर्ट लोग जो लोग ये सब कॉपीराइट लगाता है मेरा भूल र, भूल होता है इसी कारण लगाता है लेकिन मुझे एक बात आज जानना है बोलना भी है वो है एट फर्स्ट रविंद्र संगीत में कॉपीराइट बहुत पहले उठ गया जो रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने उठा दिया बहुत दिन पहले ये हम सभी को मालूम है उसके बाद से रविंद्र संगीत को लेकर बहुत तरह की आ, मतलब रिसर्च चल रहा है उसको लेकर बहुत सिनेमा में भी लगाया हुआ है बहुत तरह के एल्बम निकाला बहुत बड़ा बड़ा सनम ध्यान जो सब न, सिंगर है वो लोग गाए हैं बहुत तरह से गाए हैं तो वह बहुत सारे म्यूजिक वगैरह रहता है गाना को बहुत तरह से गाया जाता है वो एक गाने के साथ हिंदी गाने भी मिक्स्ड होता है इंग्लिश भी मिक्स्ड होता है म्यूजिक टोटली चेंज हो जाता है एकदम एक गाना चलते चलते उसके बीच में और किस और किसी की तरह की बातें होता है गाना होता है ये सब हम लोग सभी जानता है बहुत तरह की चेंजेस आया है कॉपीराइट उठ जाने के बाद तो उसी टाइम रविंद्र सिंह गाना बहुत डिफिकल्ट था किसी क्योंकि एकदम सेम टू सेम गाना पड़ता था तो अभी वो कॉपीराइट जब उठ गया है उसके बाद सभी ने थोड़ा गाने की एटलीस्ट साहस दिखाता है कि हम लोग थोड़ा गा सकते हैं तो देखिए मैं मेरे बारे में बोल रही हूँ मैं गाना सीखती थी बहुत पहले हाँ बहुत पहले मैं गाना सीखा तो अभी ट्वेंटी इयर्स तक मैं गाना नहीं गाई हूँ मैं बोली थी पहले मेरा जो वीडियो आया है वो सब वीडियो में मैं बोली हूँ कि मेरा बहुत क्राइसिस कुछ चला था बेबी हुआ बहुत तरह की मैं जॉब करती ये सब बहुत तरह की घटना घट गट, घटी है इसी कारण मैं बिज़ी हो गया था कि मैं गाना लेकर कंटिन्यू कर नहीं पाया तो अभी मैं गा रही हूँ अभी ऐसा नहीं कि मैं किसी किसी जगह सीख रही हूँ ट्रेनिंग ले रही हूँ मैं खुद ही गाती हूँ खुद ही गाती हूँ तो इसमें थोड़ा भूल भ्रांति होता भी है तो इसमें जो जो भूल भ्रांति होता है मुझे कॉपीराइट लगता है गाने में कॉपीराइट लगता है तो मैं ट्राई करती हूँ तो एक के बाद बोलना है मुझे कॉपीराइट जो लगता है ये क्या सभी के लिए एक प्रयज्य है क्या सिर्फ हम लोगों के लिए जो लोग अब नए हैं हम लोग कुछ करने की प्रयास कर रही है तो मेरे एक बात है हम लोग क्षमताशाली नहीं है क्षमताशाली नहीं है इसी कारण कि हम लोगों के ऊपर कॉपीराइट लगता है या जो जो लोग सिनेमा में यूज़ कर रहे हैं वो लोगों के पास बहुत पैसा है वो लोग बहुत क्षमताशाली है ये लोगों के भी लगता है कॉपीराइट किया सिर्फ हम लोगों के गाने पे ही लगता है यह मुझे जानना है और मुझे एक बात बोलना है कि जो नियम होना चाहिए वो सभी के लिए सेम होना चाहिए ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है उसके लिए कुछ अलग तरह की नियम हो और जिसके पास नहीं है उसके लिए कुछ अलग तरह की नियम हो हम लोग नए हैं तो मैं जो सोचती हूँ मेरा सोच मालूम नहीं है सभी के साथ एक होगा या नहीं होगा मेरा सोच है जो लोग नए आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है तो आप लोग जो जो है एक्सपर्ट आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए जो जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको कमेंट के माध्यम में बोलिए कि ये सिर्फ जगह प्रॉब्लम हो रहा है इसको चेंज करो या ऐसे करो ऐसा नहीं कि उसको गड्ढे में धकल दो धकल के उसको मत उठाओ नहीं मैं मेरे जो बात है मैं बोलना चाहती हूँ उसको उसको हाथ पकड़ के सामने ले जाने की प्रयास करो सभी को बोल बोलो सभी ने अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करना चाह रहा है बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा सिंगर है जो लोग स्टार्ट कर रहा है स्टार्ट किया है बहुत दिन से या करेगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग सभी परफेक्ट हैं एकदम परफेक्ट हम कोई नहीं है सभी के अंदर कुछ खराबी है कुछ भलाई है सभी के अंदर है हाँ तो मुझे लगता है इसको थोड़ा चिंता करने का विषय है कि तो कोई ऐसा आदमी तो गा नहीं पाएंगे रविंद्र संगीत गाना यार हम लोग इंडिपेंडेंट है यार सभी हम लोग को गाने की हक है कॉपीराइट उठ उठ गया है बहुत दिन पहले हम सभी जानते हैं और ऐसा नहीं कि गाना का पूरा हम लोग मतलब पूरा अलग टाइप के गा रहे हैं गाना है, गा रहे जैसा है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस इधर उधर का होता है इसीलिए तो कॉपीराइट लगा दिया ठीक है लगा दिया लेकिन बोलिए कहा क्या प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसा होगा तो सिनेमा विना में जो यूज़ होता है मूवीज़ में यूज़ होता है रविंद्र संगीत उसका तो पूरा बड़ा बज गया है ये तो हम लोग जानते हैं कहा क्या म्यूजिक जो छोटे छोटे एल्बम में निकालते हैं वह भी होता है एकदम उसका पूरा धजिया उड़ा दिया रविंद्र संगीत वो हम लोग ऐसे ऐसे भी बोलते जो रविन्द्रनाथ टेगोर अगर अभी जिंदा रहता तो वो तो पहचान नहीं पाता कि ये उनका ही गाना है इसको ऐसे रिसर्च कर रहा है तो मेरा एक ही बात है ये नियम क्या किस किस के ऊपर प्रजोज्य है किस किस के ऊपर प्रजोज्य नहीं है यह मुझे जानना है किस किस के लिए तो कॉपीराइट मेरा अलग अलग गाना से भी लगता है लेकिन ये भी मेरा बात है आज जो लोग गा रहे हैं जो लोग बहुत नामी नामी सिंगर है हाँ वो लोग जब गा रहा है गाना को मिडिल से गा रहा है लास्ट स्टार्ट कर रहा है गाना को इधर उधर करके ये एक शिल्प कला है वो उसकी जो टैलेंट है वो देकर वो गा रहा है नया स्टाइल से रीमेक हुआ ये सब गाना बहुत सारा रीमेक हुआ हम लोग देखे एक टाइम था जिस टाइम गाना सिर्फ रीमेक होता था तो कॉपीराइट की तभी भी लगता या अभी हम लोग जो गाना गा रहे हैं हम लोगों के गाने पे कॉपीराइट लगता है ये तो मुझे मालूम नहीं है तो कॉपीराइट तो उठ गया बहुत दिन पहले तो क्यों ये सब लगा लगा थे तो हमारे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग कॉपीराइट लगा रहे हो लगाओ लेकिन जो प्रॉब्लम है क्यों लग रहा है ये थोड़ा बोल के लगाओ हाँ ये थोड़ा बोल के लगाओ तो नेक्स्ट बार जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये सब बोल रही हूँ मुझे मालूम है इसलिए बहुत को मेरा बात अच्छा नहीं लगेगा बहुत लोग गुस्सा करेंगे तो सॉरी सॉरी क्यों मांग रही हूँ ये भी मुझे मालूम नहीं है सॉरी नहीं मांगना है मुझे क्योंकि जो सच है जो मुझे लगा मैं वही बोल रही हूँ जो नियम है सभी के लिए एक तरह होना चाहिए किसी के लिए एक तरह और किसी के लिए एक तरह वैसा नहीं होना चाहिए तो मुझे ऐसा ही बोलना है किसी को डिस्करेज मत करो इनकरेज करो जैसे वो सामने जा पाए उसका जो गोल है वो जगह वो पहुंच पाए हम्म तो ऐसा नहीं कि कोई गा नहीं पा रहा है कि उसको हंसी मजाक के रूप में उसको देखो अरे उसको हेल्प करो सुनिए तो एक बात बोलती हूँ मैं जो गाना गाती हूँ गाना गाती हूँ उसमें अच्छा कॉमेंट भी आता है लेकिन इधर नहीं इसी टाइम मैं देख रहा हो कोई कोई आदमी कोई कोई इंसान इतना घटिया इतना घटिया कमेंट कर रहा है मुझे मालूम नहीं ये लोग कहाँ से उठे उठे हैं ये इसमें इतना गंदा गंदा कमेंट करता है मतलब सुनिए एक बात मैं बोलती हूँ किसी किसी ऐसा है बहुत मतलब से आते हैं वो मतलब जब उन लोगों का पूरा नहीं होता है ना तो कैसे अपनी हवा को पूरी करेंगे तो इसको चलो कमेंट कर देते हैं ऐसी जगह में जहाँ पब्लिकली सभी देखें अरे तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन है वाइफ है बेटी है तो तुम लोग यही सोचते नहीं कि हम लोग भी किसी का माँ बहन है बेटी है तो किसी का वाइफ है तो हम लोगों को भी तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों की रिस्पेक्ट दो ऐसा तुम तुमको ऐसा हो ही सकता है कि मेरा गाना पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा गंदा कुछ आ, करो कमेंट करो कि हम लोगों का सन्मन का पूरा धजिया उड़ा दो ऐसा नहीं देखो मैं तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया हूँ मैं मेरी तरह गा रही हूँ मेरा गाना अच्छा लगे सुनो नहीं लगे तो मत सुनो ये तो मैं तुमको जोर नहीं कर पाऊंगी अगर अच्छा लगे तो सुनो मैं सभी को बोलती हूँ कि अच्छा लगे तो तभी सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करो ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ अगर मैं आप लोगों को अच्छा लगा मेरा गाना अच्छा लगा तो तभी आप तो लोग कीजिए तो ऐसा नहीं कि इसी कारण आप लोग गंदा गंदा कमेंट करेंगे हाँ ये सब बिल्कुल सही नहीं आता और एक बात बोलती हूँ यूट्यूब वाले में जो जो ये सब देख रहा है आप लोग के ये सब कॉमेंट नहीं देखते हैं ज़रूर देखते हैं इस सेक्शन में भी कुछ आदमी है मुझे लगता है जो लोग ये सब कमेंट वगैरह भी देखता है जो ये सब कमेंट कर रहा है तो आप लोग क्यों इन लोगों को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते हो या इन लोगों को क्यों बोलते नहीं हो कि आप लोग जो एक लेडीज को ये सब गंदा कमेंट कर रहे हो तो उनका भी तो थोड़ा थो रेस्पेक्ट है तो आप लोगों के उधर लो, आदमी बैठे हुए हैं एक गाना हम लोग अपलोड करते ना कटते कॉपी क्लेम हो जाता है जब ये लोग ये सब गंदा गंदा मैसेज करता है तब आप लोगों को उधर देखने वाला कोई नहीं है कि एक औरत एक लेडीज उसका सम्मान है समाज में तो उसको एक गंदा बहुत गंदा मैसेज कर दिया तो आप लोग का उधर से कोई एक्शन नहीं होता है फेसबुक में भी बोल रही हो व्हाट्सएप में व्हाट्सएप पर तो पर्सनल है आ, और यूट्यूब में भी बोल रही हूँ बोधकौ हाँ, तो उधर कोई एक्शन नहीं होता है आप लोगों की उधर मुझे ये जानना है तो क्यों ऐसा होता है क्यों ये लोग का इतना साहस होता है कि ये सब गंदा गंदा मैसेज कर देता है तो हम लोगों का सभी का सेल्फ रिस्पेक्ट है ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर का है कोई जो भी मन चाहे वो बोल जाए तो मुझे यही बोलना है जो लोग कॉपीराइट क्लेम करने के लिए बैठे हुए हैं वह और भी और भी आदमी है जो लोग ये सब देखता है यूट्यूब को कंट्रोल करता है फेसबुक को कंट्रोल करता है तो उधर क्यों कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है कुछ एक्शन क्यों नहीं होता है जब ये लोग गंदा गंदा मैसेज करता है इसका भी थोड़ा एक्शन लीजिए सोचिए कि हम लोग को भी सम्मान है हम लोग हम लोग भी किसी घर की बेटी है इज्जत है तो आप लोग उधर कुछ कीजिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैं सफर कर रही हूँ बहुत सफर कर रही हूँ इसीलिए आप लोगों को आज मैं ये वीडियो बना के बोल रही आप लोग ये सब जो कमेंट करते हैं गंदा गंदा कमेंट करते हैं इन लोगों के घर में क्या माँ बहन कोई नहीं है और अदर्स जो अदर्स जो सब लेडीज है सभी को ये लोग तो मतलब क्या समझते हैं मुझे मालूम नहीं है कि ये सब गंदा गंदा मैसेज करता है बहुत लोग सम्मान देता है बहुत लोग अच्छे से बोलते हैं ऐसा नहीं कि मेरा गाना पूरा परफेक्ट मैं गाती हूँ ऐसा नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ लेकिन एक बोलने का भी तरीका होता है ऐसा नहीं कि एक काल में एक गाना गाई थी चिंगारी कोई भर के ये गाना को लेकर बहुत ट्रोलिंग हुआ है मुझे मालूम नहीं है इतना गंदा गंदा मैसेज मेरे पास आया है मैंने ये सब मैं बोल नहीं पाऊंगी वो फेसबुक में, में भी हुआ है वो यूट्यूब में भी यूट्यूब में इसका पहले गाना गाना में दिया था लज्जा गले गाना गाए थी वहाँ देखिए एक बात मैं बोलती हूँ जो गाना ये सब लता मंगेशकर जी का गाना है वो तो भगवान है माँ सरस्वती है हम लोग थोड़ी उनके तरह गा पाएंगे कभी नहीं मेरा वोकल कॉर्ड से जो आवाज़ निकलेगा मैं वैसे गाऊंगी मैं ट्राई करूंगी हंड्रेड परसेंट देने की ऐसा नहीं कि मैं उनके तरह गा पाऊंगी कभी नहीं ये तो सास भी नहीं करूंगी कभी तो जो लोग ये सोचता है कि ये लग जाएगा ये गाना गा रहा है या रैना भित जाए गाना गा रहा है लता मंगेशकर की जा गाना गा रहा है इसका मतलब वो लता मंगेशकर की तरह ही गाएंगे लता मंगेशकर की आवाज़ ही निकलेंगे ये सब तो कभी नहीं हो सकता है मैं मैं हूँ लता मंगेशकर लता मंगेशकर जी है मैं मेरे तरह गाऊंगी मैं ट्राई करूंगी उसको फॉलो करूंगी ऐसा नहीं कि वो जैसे जैसे गाई है मैं वैसे वैसे उसकी आवाज़ अलग है उसका वोकल कट अलग है मेरा वोकल कट अलग है मेरे गलत से जो आवाज़ निकलेगा ये अलग तरह की है हाँ जो गाना जो पहले गाए है उसका एक यूनिक हो जाता है कि ये गाना उसने गाया है ऐसा तो उसको तो हम लोग गाते हैं फिर से तो हम लोग कैसे सेम टू सेम करेंगे सेम टू सेम क्या होता है बोलिए ना अरे हम लोग जो गा रहे हैं मैं जस्ट गा रही हूँ मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई माइक नहीं है मैं मेरा जो वॉइस आप लोग सुनते हैं पूरा नेचुरल है मैं मेरा कोई हेडफोन नहीं है मेरा कोई माइक नहीं है मैं सीधा सीधा फ़ोन लगा के गाना गाती हूँ तो अगर इधर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो क्या करूँ बोलिए आदमी को थोड़ा चलना कि चलने जो चार आए हैं सामने बढ़ने के लिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए हेल्प ना करके डिस्करेज करते हैं यह ये एक ऐसा ये बात है आज आज आप लोगों के घर में जो माँ बहन है आप लोगों का बेटी है आप लोगों का जान पहचान की है जो लोग आप लोगों का बहुत करीब लेडीज़ है अगर वो लोगों को कोई ऐसा बोले तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बोलिए तो मैं भी तो किसी का घर की बहू हो किसी का घर की बेटी हो किसी का माँ हो हाँ तो मुझे मेरा जो घर वाले हैं उसको कि अच्छा लगता है बोलिए ऐसा ही तो सभी को रेस्पेक्ट कीजिए अगर रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे इनक्रेज नहीं कर पाएंगे डिस्करेज भी मत कीजिए प्लीज़ डिस्करेज भी मत कीजिए तो ऐसे आप लोग कमेंट मत करो और यूट्यूब वाले को मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप लोग इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाइए आप लोग देखिए कि एक लेडीज़ को कैसे वो लोग जो गंदा गंदा मैसेज कर रहे हैं फेसबुक वाले यूट्यूब वाले ये सब जगह कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा ये प्लीज़ ये मुझे बोलना था इसीलिए मैं वीडियो डाला तो मुझे मालूम नहीं है क्या होगा नहीं होगा ये मुझे मालूम नहीं है सिर्फ मैं बोला रिक्वेस्ट किया जो मैं फेस कर रही हूँ मैं इसमें बहुत प्रॉब्लम मुझे भी हो रहा है मतलब थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम मुझे हो रहा है इस ये, ये सब कॉमेंट की वजह से हाँ बहुत अच्छा अच्छा कमेंट भी होता है बहुत लोग मुझे पसंद करता है वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं दीदी ये गाना गाइए वो गाना गाइए मैं ट्राई करती हूँ उन लोगों को पसंद आता है या नहीं आता है वो भी वो लोग बोल देता है लेकिन कॉमेंट करने की एक अदा है कैसे बोलेंगे अच्छे से या अच्छा नहीं लगा तो मत बोलो कि बोलो दीदी ये जगह ठीक नहीं हुआ है आप थोड़ा सुधार लीजिए आप ऐसे गाइए वैसे गाइए एक बात है लेकिन इतना गंदा गंदा कमेंट गंदा मैसेज करता है ओपन प्लेटफॉर्म फेसबुक वो लोग सभी देख रहा है यूट्यूब में तो फोल्ड वर्ल्ड में सभी देख रहा है तो ये सब क्यों ये सब को थोड़ा आप लोग देखिए थोड़ा आप लोग ये सब को बंद करने के की प्रयास कीजिए आप लोग थोड़ा सोचिए सिर्फ मैं नहीं मैं आज बोल रही हूँ इसी कारण आप आप लोग मेरे बारे में जान रहे हैं मुझे तो लगता है ऐसा प्रॉब्लम की आ, सामने बहुत सारे लेडीज को होना पड़ता है कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है तो भी मैं एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा कोई स्टेप लीजिए स्टेप लेकर ये सब जो सब आदमी है ये सब मुझे लगता है मेंटली ये सब पूरा बीमार है इसीलिए इस तरह की मैसेज एक ओपन प्लेटफॉर्म में कर सकता है कि कोई लेडीज को ये लोग समझता नहीं कि इसका भी रेस्पेक्ट हो सकता है तो इन लोगों के लिए थोड़ा एक्शन लो आप लोग थोड़ा देखो कहाँ क्या मैसेज आ रहा है यह सबको रेस्ट्रिक्ट करो ठीक है नमस्ते आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए यही मुझे बोलना था कॉपीराइट वाले बैठे हुए हैं कॉपीराइट देने के लिए लेकिन ये सब जब गंदा गंदा मैसेज आ रहा है तभी कोई नहीं है कोई देखने वाला नहीं है कोई ये सब मैसेज कोई लेडीज को भेज रहा है तो तब ये भी देखिए ये भी देखिए प्लीज यही बोलना था नमस्ते